नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। आज से विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा तमाम मुद्दों पर, जिसमें शराबबंदी भी होगा, नीति आयोग की रिपोर्ट भी होगी, इसके साथ ही साथ जो संपत्ति विवरण की बातें चल रही है इन सभी पर चर्चा होगी। और इसको लेकर जदयू का जवाब सामने आया है। जदयू MLC के द्वारा कहा गया है, कलेजा में अगर दम होगा तो सभी चीजों पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त यह भी है कि क्या आप सिर्फ ट्विटर पर बोलेंगे, सदन में आके बोलेंगे? अगर है तो आप जवाब को भी सुनिए और हमारी बातों को भी सुनिए। केवल सवाल करने से नहीं होगा, जवाब भी सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने और भी शब्दों का इस्तेमाल कहा है कि जो जानना है जानेंगे, सब बता देंगे, चित्रा चित्रा उड़ा देंगे। ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, खुद सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करनी है। अरे कलेजा में दम है तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे और आपके कार्यकाल के योजना आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। कहा कोई परेशानी है? और जिसमें मर्जी करे, अगर संपत्ति का भी हिसाब है लेना, चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देंगे। और राजनीति में अपने बात को सुनना चाहिए, हिट एंड रन नहीं कि ट्विटर पर बोल दिए, सदन में बोल दिए और जवाब नहीं सुनेंगे। जवाब भी सुनना होगा। और सरकार हमारे काम के बदौलत है, आप तो उन्माद और संपत्ति सृजन के बदौलत। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो नहीं किया तो उनके गांव में कौन विकास किया है? उनका गांव में उनका जो घर है वहां भी लालटेन जलता था, वहां बिजली हम ही पहुंचाए, गली हम ही बनाए, सड़क हम ही बनाए। हम मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं को यह चुनौती दे रहे हैं कि अपने अपने पैतृक गांव के मतदान केंद्र में जहां आप मत डालते हैं वहां के विकास आपने क्या किया और हमने क्या किया, यही मानक पर बहस हो जाए। मैं तो आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का जो मंतव्य देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह कहा कि हमारे होटल में पुरानी बोतल थी, ती बोतल का भी व्यापार कर रहे थे क्या? खाली बोतल और पुरानी बोतल थी, इसका भी व्यापार कर रहे थे क्या? लेकिन शराबबंदी एक ऐसा अभियान है कि इसके हृदय को साफ करिए ना, मन को साफ करने में क्या दिक्कत हो रही है? शराबबंदी से पीड़ा है या शराबबंदी के क्रियान्वयन में कोई सलाह देना है, यही अंतर है। मुझे ऐसा लगता है इनको शराबबंदी से असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सामाजिक जो परिवर्तन की बुनियाद जिन्होंने रखा है तो उस रास्ते पर चल पड़े हैं। शराबबंदी से जितनी पीड़ा आपको हो जाए, पेट में दर्द अगर हो रहा है तो सर दर्द की दवा खाइएगा, सुधार नहीं होगा, शराबबंदी कायम रहेगा। तो आपने सुना किस प्रकार से राजद को पलटवार करते नजर आए जदयू MLC और इस प्रकार से अपनी बातों को रखते नजर आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आज दिन भर न्यूज़ PR के साथ बने रहे। धन्यवाद।